7 अक्टूबर शनिवार हमास के टेररिस्ट ग्रुप ने 5000 रॉकेट के साथ इसराइल पर हमला कर दिया। उसके बाद कुछ बंदूकबारी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। बच्चे, बूढ़े और औरतें किसी को भी नहीं बख्शा गया। रेपिंग और किडनैपिंग जैसी भी चीजें हुई, जिसके बाद 700 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। वहीं हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। ये पूरा इंसिडेंट किया गया है पैलेस्टीन का एरिया गाजा पट्टी से, जिसके बाद इसराइल ने वॉर लाइक सिचुएशन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। यूएस, इंडिया या फिर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है, वहीं ज्यादातर अरब देश अभी पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ग्लोबल मार्केट के ऊपर? वेल, ये पूरा इंसिडेंट मिडल ईस्ट के अंदर हुआ है एंड मिडल ईस्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, जिसके चलते हमें ऑयल के प्राइस के अंदर 3-5% अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली है। एंड इन जनरल सेंटीमेंट्स, इस टाइम पर लोग अपना पैसा फियाट से निकालकर कॉमोडिटीज के अंदर मूव करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज कॉमोडिटीज को एक सेफ हेवन एसेट माना गया है। तो इस टाइम पर गोल्ड, सिल्वर और ऑयल के प्राइस के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को एक वोलेटाइल एसेट माना जाता है, जिसके चलते इसके अंदर भी हमें कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। स्टॉक्स की बात करें तो ज्यादातर स्टॉक मार्केट भी अभी गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर ये सिचुएशन जल्दी सही हो जाती है देन एक बार फिर से हमें प्राइसेस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी फॉर मोर सच अपडेट्स।